आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको हाँ, बट कोई बात नहीं, ग्रुप 14 आपको आप ही के लिए बनाए, ठीक है। हाँ चले पढ़े। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था बेटा, जरा बताना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनीकरण ऊर्जा। चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो होता क्या है कि जैसे ये है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में अगर जब तुम सेंटर से किस तरफ जाओगे, दाहिने तरफ, राइट साइड, कहाँ पे जाओगे? सेंटर से दाहिने साइड जाओगे। माइक नहीं लगाया हूं मैं, बस दो मिनट रुको। हाँ हाँ अरे बिल्कुल बेटा, तुरंत बंद करो, लाइट ना बंद कर देना तुम, ठीक है। तो क्या हो गया, जब भी हम लोग कहाँ से जाएंगे, सेंटर से दाहिनी तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इलेक्ट्रॉन लेने की, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी। और इसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता घटने लगती है। क्या घटने लगती है? क्यों? अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, मेटल की नॉन मेटल, धातु की अधातु? अधातु। कौन? नॉन मेटल। कौन लेता है? नॉन मेटल। तो मतलब याद करो, तो इसी ये सत्य भी है कि सेंटर से राइट जाओगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या करेगा? ठीक है चलो अब आते हैं अपने काम की बात पर। तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या होगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातु की कैरेक्टर मतलब मेटल के कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है, लेने की नहीं। यहां तक की बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले बोरॉन टू एल्यूमिनियम घटती है। बोरॉन भैया नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम क्या है, तो वैनी सर मेटल लाइक। तो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की ज्यादा होगी, एल्युमिनियम की कम होगी, लेकिन उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम और उसके बाद हैलियम, ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद बहुत मार्जिनली, मार्जिनली को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, कैसे? ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बहुत लगभग बराबर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, ये लिख लो, ये वाला पॉइंट हेडिंग डालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिखो ये वाला पॉइंट कि पहले बोरॉन से एल्युमिनियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। अब बात आती है कि बोरॉन क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होगा? तो और बहुत ही ज्यादा हार्ड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। बाकी के मेटल क्या है? सॉफ्ट है। तो बोरॉन के बारे में लिखो, पहली बात ये नॉन मेटल है, दूसरी बात लिखो हार्ड है, और तीसरी बात इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। और अदर मेटल्स, क्या है? तो कहेंगे सॉफ्ट है और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम। ठीक है, अब जा करके मेरे पास पहुंची। हाँ वो तो तुम्हारे लिए देखो ये वाली बनी थी, हमने कहा बैठ लो, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट नोट करना, ऐसे नोट करना जैसे मैंने लिखा है, इतना सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या क्या लिखने की जरूरत है, ये वाला एक पॉइंट लिखने की जरूरत है और इसके बाद ये और ये पॉइंट लिखने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएं? नहीं, नहीं। जल्दी नोट करिए।